हाँ जी बोला ना पहले जो गीता सुनाते थे आदि में अंत में भी वैसे ही होगा। हमारी गीता तो मुरली है, अभी मुरली पढ़ते हैं। मुरली पढ़ते हैं? मुरली पढ़ते हैं तो पढ़ता तो कृष्ण बच्चा है, लेकिन समझाता कौन है? तो बाप का काम है समझाना, समझाना टीचर का काम है। आदि में भी मुरली पढ़ते थे, पढ़ता कौन था? गीता पढ़ते थे तो कौन पढ़ता था? आदि में संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे तो पढ़ता कौन था? ब्रह्मा बाबा पढ़ता था। और उसका अर्थ कौन समझाते थे? शिव बाबा समझाते थे। अंत में भी ऐसे ही होगा। जब संस्कृत की गीता की सभी धर्मावलंबियों ने, मठ पंथवासियों ने अपने अपने तरीके से उसके अर्थ करके निकाल दिए, तो जो ईश्वरीय ज्ञान सच्चा है उसके अनुसार गीता के अर्थ नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। भागवत शास्त्र में दिखाते हैं गीता ज्ञान एक ही समय तीन जगह चलता था। कृष्ण अर्जुन को सुनाता उस वह भी, और संजय धृतराष्ट्र को सुनाता था, और शंकर भगवान देवी देवता को सुनाते थे ऊंचे स्टेज में शिव भगवान। है तो तीनों एक ही बात। तो वेद में क्या बात है वो? वेद में तीनों एक ही शरीर में है, यही तो बात भूल जाते हैं। तुम भी भूल गए। शिव ने जो गीता ज्ञान सुनाया वो शिव लीला अमृत बन गई, और कृष्ण ने जो सुनाई वो अमृत नहीं बना। वो भगवान तो एक ही है कि तीन है? हाँ, लेकिन एक ही शरीर में तीन आत्माएं होने की वजह से किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं कि असलियत क्या है। और बाबा बोलते हैं ना, बाबा से अभी जो सब संबंध निभाना है, तो जो जिसकी नहीं रसना लेंगे हैं, जिस संबंध की रसना नहीं लेंगे हाँ, उसके लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है, माताएं तो बच्चा बनाती है बाबा को। माताएं बच्चा बनाती है, लेकिन मुरली में बोला है माताओं को पहले अपना बच्चा बनाना पड़े। ये नहीं बोला कि माताएं कोई संबंध नहीं निभा सकती, सिर्फ इतना बोला है माताएं हैं तो माताओं को पहले कौन सा संबंध जोड़ना है? बच्चा बनाना पड़े। घर में भी झगड़ा टंटा नहीं होगा, माताओं को विश्वास बैठ जाता है, भावना बैठ जाती है, बच्चा है, फिर दूसरा कोई संबंध उठेगा भी नहीं, उठेगा नहीं उठेगा, तो सेफ्टी हो गई ना। है कि कंप्लेंट रह गई? कंप्लेंट नहीं रह गई। और पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बनवाया था है, था जहाँ पानी है वहाँ जब दिखता था पानी, लेकिन होती थी जमीन। किसको दिखता था? नहीं, ऐसा बनवाया ना। दिखता किसको था? हाँ, दुर्योधन को दिखता था। तो वेद का राज है? वेद का राज यही है कि जो ज्ञान के ऊपर आस्था रखने वाले नहीं है उन्हें उल्टा ही उल्टा दिखाई पड़ता है, हर बात को उल्टा उठाते हैं। और देवकी के अष्ट देव नहीं है, आठ कृष्ण जैसे बच्चे हुए, सब एक जैसे तो नहीं थे। कृष्ण जैसा था
वैसे सब बच्चे नहीं हो सकते। अष्टदेव 84 जन्म लेने वालों को कहेंगे या कम जन्म लेने वालों को कहेंगे? तो कृष्ण जैसे सत्ययुग में जन्म लेने वाले कितने नारायण हैं? वो 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण होते हैं कि कम कलाओं वाले कम जन्म लेने वाले होते हैं? कम कलाओं वाले होंगे और कम जन्म लेने वाले होंगे, तो उनको देव नहीं कहेंगे। इसलिए ये कहना कि देवकी से अष्ट देव हुए ये रंग है, और गंगा पुत्र और उससे पहले 7 और पैदा हुए, वसुदेव जिन्हें कहा जाता है। आठ वसु, तो वो तो फॉलो किया है सन्यास धर्म वालों ने, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को फॉलो करके ये बात बनाई है। वास्तव में जैसे जैनियों ने फॉलो किया है हिंदू धर्म को, उन्होंने भी 24 तीर्थंकर दिखाई दिए भगवान के रूप में। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने गए हैं, जैनियों ने भी षष्ठ रूपी चक्र के 6 आरे दिखा दिए, 3 आरे स्वर्ग के समान हैं, 3 आरों में नई दुनिया दिखाई है और बाकी बाद के 3 आरे नरक की दुनिया दिखाई गई है। अपने हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, 4 युगों का चक्र है। तो ऐसे ही सन्यासियों में श्रेष्ठ सन्यासी, पावरफुल सन्यासी कौन गाया हुआ है? गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो उनसे पहले 7 और दिखाए गए। फिर नवग्रह है, जो 9 ग्रह हैं उनमें नंबर वार हैं कि एक जैसे हैं? नंबर वार हैं। सबसे बड़े से बड़ा बृहस्पति, बाकी फिर नंबर वार। जब दुनिया का विनाश होगा तो क्या रहेगा? एक बृहस्पति ग्रह ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बाकी टकरा टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। सप्तऋषि वो यहाँ संगम युग में ऋषि बनते हैं, पवित्रता को पालन करते हैं नंबर वार। तो जो 7 नारायण हैं सतयुग के, कृष्ण के बाद वाले, वो यहाँ सप्तऋषि कहे जाते हैं। बाबा, जो आत्मा बन जाती है, बन जाती है नहीं, बनती है बनती है आत्मा, आत्मा को याद करते करते बनती है वो, बनती नहीं है, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाती है। आत्मा है पर बीच बीच में क्या है, याद है ना, टूट जाती है। तो प्रैक्टिस ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 63 जन्म हमने देहभान भोगा है, देहभान का सुख भोगा है, इंद्रियों का सुख भोगा है, इंद्रियां देह से कनेक्टेड हैं। तो इंद्रियों का सुख भोगते भोगते हमारा देहभान पक्का हो गया है। अभी आत्मिक सुख अगर भोगना है, जिसे अतिंद्रिय सुख कहा जाता है, इंद्रियों से परे का सुख, अर्थात देह से परे का सुख, तो फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़े। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े?
आत्मा याद करने की प्रैक्टिस है, तो बनना क्या, वो तो बने बनाए हैं लेकिन भूले हुए हैं, घड़ी घड़ी भूले हुए हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। बनने की तो बात ही नहीं, अन्य स्थिति में रहना, आत्म की स्थिति में रहना। बाबा जब आत्मा है 4.5 लाख 2028 तक आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, 2018 तक, 28 तक, 2028 तक। अरे बाबा ने बोला ये और तुक्का लगा दिया। नहीं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो है वो राजयोगी हैं या प्रजायोगी हैं? तो 4.5 लाख की जो बात कर रहे हो वो प्रजा है या राजा है? तो फिर आप तो 4.5 लाख की बात कर रहे हैं ना, 4.5 लाख की बात नहीं, 28 तक के लिए। जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले राजयोगी है, और राजयोगी जो राजा ही प्राप्त करने वाले हैं, राजघराने में जन्म लेने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, उनकी संख्या कितनी है? 16,108। उनकी बात बताई, को 10 साल का पीरियड है उनके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, बाकी 4.5 लाख तो प्रजावर्ग है। प्रजावर्ग पहले कंप्लीट बनेगा कि राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे? राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे। 2028 तक माउंट आबू में 16,108 आत्माएं जाएंगे ऐसा? हाँ जी, 16,108 जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक अलग बात। लेकिन पढ़ाई उनकी पूरी होगी, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। हाँ जी, हाँ जी, आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना आत्मा परम धाम वासी बनना। तो क्या डरते हो क्या है? जाना पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, माने मजबूरी हो गई है? खुशी खुशी जाएंगे। अभी अगर कह दिया जाए जाओ तो मजबूरी है, उस समय इतना त्याग आ जाएगा, इतना वैराग आ जाएगा कि हम खुशी खुशी जाएंगे। और बाकी 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगे, प्रजावर्ग तो बाद में ही कंप्लीट होगा ना, तो समय भी तो है? समय भी तो 28 से आगे ही निकलेगा। हाँ, क्यों नहीं आगे निकलेगा? क्या संगम युग की आयु का पता नहीं है? 36 तक आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई 28 तक, वो इस दुनिया से कंसल्ट मतलब कांटेक्ट नहीं रखेंगे ऐसा? इस दुनिया से कांटेक्ट नहीं रखेंगे? बाबा ने तो बताया कि बार बार वहां अप एंड डाउन होगा, शूटिंग वहां तेजी से चलेगी, जैसे ड्रामा होता है पहली बार जब शूट किया जाता है तो लंबा टाइम लगता है, फिर जब अच्छी तरह शूटिंग पक्की हो जाती है तो जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, जो परिपक्व स्टेज को पाते जाएंगे उनसे कहेंगे जाओ सेवा करो, जाके फील्ड में जाओ, फील्ड में जाएंगे फिर प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये अप और डाउन चलता रहेगा। और मनुष्य के 5 स्वरूप बताए, उसमें एक है अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप में 5 स्वरूप पहले बताइए। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, आदि अनादि, पूज्य या मध्य है, पूज्य या मध्य, आदि और अनादि। अनादि तो आत्मा हो गई और आदि देवता हो गया। अरे 5 तो बताओ पहले,
ब्राह्मण संगम युग का फरिश्ता और आज पूरे करो देवता पूज्य स्वरूप बताया है, है? बेसिक में मध्य या पूज्य स्वरूप बताया है। मध्य क्या पूज्य स्वरूप? पूज्य माने देवता, द्वापर युग कहते मध्य वो है। हाँ हाँ पूजनीय में जब अनादि आदि मध्य ब्राह्मण और बाद में फरिश्ता। फरिश्ता तो अभी बनेंगे हम, फिर देवता बनते हैं। अभी पहले फरिश्ता बनना है, उसके बाद देवता बनना है। देवता बनने के बाद फिर पूज्य रूप में भक्तों के सामने आएंगे। ऐसा तो कहा है कि वाच्य स्वरूप को याद करना है, है? वाच ही स्वरूप को याद करना है, है? तो अनादि स्वरूप को कैसा याद करेंगे? आत्मा बिंदु, बिंदु को याद करना है। मैं आत्मा बिंदु, इसको साकार से अलग कर सकेंगे क्या? अभी जब मैं आत्मा बिंदु, तो बिंदु साकार शरीर के अंदर है या बाहर है? अंदर ही है। और जब 4.5 लाख आत्माएं अपने आत्मित हो जाएंगे तो सृष्टि पर परमधाम उतर जाएगा, है? इस सृष्टि पर परमधाम उतर जाएगा, मतलब माउंट आबू में। हाँ? तो फिर उस पीरियड कहाँ से कहाँ तक मानेंगे आप? अरे 28 से 38 तक, 36 तक। और फिर आत्माएं जो स्थित हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में इस शरीर से, तो उनको परम धाम वापिस जाने की जरूरत रहेगी? क्यों नहीं जरूरत रहेगी? क्योंकि परम धाम तो इसी सृष्टि पे उतर लिया, इसी सृष्टि पे परम धाम उतर लिया। अरे परम धाम उतार लेंगे सबके लिए, 500 करोड़ के लिए उतार लेंगे क्या? सृष्टि में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। क्यों नहीं जाने की जरूरत है? नहीं, वो भी परमधाम से टाइम टू टाइम अपने टाइम पर उतरेंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जहां जन्म लेगा सतयुग के आदि में, वहां पहले जन्म में अंत में जाकर के 9,16,108 आबादी होगी। तुरंत नहीं हो जाएगी, आते ही आते धीरे धीरे आत्माएं उतरती रहेंगी। फिर उनके चोले तो माउंट आबू में रहेंगे ना? चोले या तुम, तो तुम्हारी अपनी कल्पना है कि माउंट आबू में रहेंगे, नई दुनिया में नहीं पहुंचेंगे। यहाँ जो ब्राह्मणों की नई दुनिया जमुना के कंठे पर बनती है, वहां भी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये तो तपस्या करने वाले रुद्रमाला के मणकों को रहना है वहां माउंट आबू में, न कि विजयमाला को भी रहना है। विजयमाला ने पाप कर्म किए हैं क्या जो तपस्या तपनी पर है लंबे टाइम तक? और मतलब अंतिम क्षण तक ये साधन दुनिया भी, दो धाम बनेंगे साथ ही साथ, दो धाम के गेट एक साथ खुलेंगे, सुखधाम और शांति धाम, दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे। तो शांति धाम वो तो माउंट आबू हो गया, और सुखधाम जमुना का कंठा दिल्ली। मतलब ये साधन अंतिम क्षण तक रहेंगे ऐसा है? जो दुनियावी साधन है आज चलने वाले अंतिम क्षण तक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? दुनिया वालों के लिए रहेंगे, हम तो उनसे पार हो गए। और बाबा जब अर्थी शमशान लेके जाते हैं, है? अर्थी को शमशान लेके जाते हैं ना? हाँ जी। मुसलमान लोग टोपी पहन के जाते हैं, साथ जाने वाले होते हैं, ले जाने वाले होते हैं। हाँ। वो मुसलमान होते तो टोपी पहन के जाते हैं। हाँ। हिंदुओं में टोपी उतार के जाते हैं। हाँ।
मुसलमान पहले मरेंगे या इस्लामी पहले मरेंगे? हाँ, तो इस्लामी ही बाद में मुसलमान बनते हैं। जो पहले मरेंगे, तो जो पहले मरने वाले हैं उन्होंने उन्होंने अच्छी स्टेज पाई हिंदुओं के मुकाबले, या नीची स्टेज पाई? अच्छी स्टेज पाई। इसलिए इस्लामियों ने 2500 साल लगातार राज्य किया है सारी दुनिया पर। मरेंगे तो टोपी पहन के जाएंगे, इज्जत पूर्वक जाएंगे, क्योंकि बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं राम बाप के। शास्त्रों में भी माना जाता है राम के कितने बच्चे? दो, लव और कुश। लव कहा जाता है प्यार को। दैहिक प्यार करने वालों में सबसे आगे कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। वो हो गया लव, तो वो बड़ा बच्चा है। नाम भी पहले लव का लिया जाता है या कुश का? लव का नाम पहले। तो सब धर्मों में जितने भी विधर्मी हैं उन सब में बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज होना चाहिए। और पहले मरना अच्छा है या बाद में मरना अच्छा? पहले मरना अच्छा है। है दुनिया वाले पहले मरेंगे? दुनिया वाले थोड़े ही पहले मरेंगे। बाबा ने बोला मुसलमान हमारे साथ मरेंगे। जब झाड़ से बीज अलग हो जाता है तो आगे बीज का पार्ट क्या होगा? आगे बीज का पार्ट क्या होता है? झाड़ से और अलग होकर के और अलग होता जाता है। पहले गुठली में ही अलग हो जाता है। जब गुठली सूख जाती है तो गुठली में ही अलग हो गया। झाड़ का कनेक्शन बीज से कट हो गया। झाड़ के अंदर है, झाड़ के अंदर होते हुए भी उसका कनेक्शन कट हो गया। ऐसे ही बीज रूप आत्माओं का भी होगा। इस दुनिया में रहेंगे, रहते हुए भी दुनिया वालों से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो उनको दुनिया में आने की जरूरत क्या? दुनिया में आने की जरूरत क्या? जब संपन्न स्टेज बनेगी तब ना। ये तो संपन्न स्टेज की बात बताई। तौल के देखा जाएगा कट हुए हैं कि नहीं। और बाबा माना विजय माला की आत्माएं माना लास्ट में विजय माला की आत्माएं परम साकार परम धाम में नहीं जाएंगी। विजय माला की आत्माएं पर साकार परम धाम में नहीं जाएंगी, क्यों? अभी आपने बोला ना कि रुद्रमाला के मन के माउंट आबू में रहेंगे जो माउंट आबू में रहेंगे। रुद्रमाला के मन के का मतलब ये नहीं है कि विजयमाला वाले माउंट आबू में आएंगे ही नहीं। आत्मिक स्थिति होगी तब आएंगे, लेकिन आने के तुरंत बाद चले जाएंगे। उनकी आत्मिक स्थिति प्योरिटी के कारण स्थायी रहने वाली है या टूटने और जुड़ने वाली है? स्थाई रहने वाली है। और रुद्रमाला की मणकों की ये तो बंदरों की सेना है। और बाबा फिर जो रुद्रमाला के मन के माना पवित्र बनकर विजय माला में ऐड होंगे वो भी तो नंबर वार वैसे ही ट्रांसफर? रुद्रमाला के मन के जब ऐड होंगे तो ऐड होने से पहले उनको तौल के देखा जाएगा कि नहीं, कि पवित्र हुए हैं कि नहीं। उस दुनिया में डाला जाएगा ना,
सेवा के फील्ड में जाओ, इस्लाम धर्म के बीज हो तो उनके बीच में जाकर के सेवा करके आओ, तब तुम पवित्र माने जाओगे। क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं तो क्रिश्चियंस के बीच में जाओ, उनकी सेवा करके आओ, फिर सफल हो जाओ तो तुम्हें आत्मा माना जाएगा, पक्की आत्मा विजय माला में ऐड करनी होगी। ऐसे थोड़े ही। और रुद्राक्ष होते हैं ना बाबा, रुद्राक्ष गोल दिखाते हैं, सब रुद्राक्ष गोल आकार में होते हैं, लेकिन जो एक मुखी होता है उसका है? एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, है? उसका आकार आँख के जैसा होता है। कैसा? आँख के जैसा, शिव जी की। आपने देखा है क्या? लंबा चप्पल देखा के? नहीं नहीं, लंबा नहीं। रुद्राक्ष जो हैं, वो नेपाल में मिलते हैं, नेपाल में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पर वो रुद्राक्ष के फल लगते हैं, उनमें मुख बने होते हैं, ऐसे 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 जैसे संतरे की खाप, ऐसे गहरे गहरे मुख बने हुए दिखाई पड़ते हैं, ये ऐसे वो मुख ये साबित करते हैं कि कोई ने एक मुख लिया, उसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, दूसरा कोई नहीं। कोई में दो आत्माएं प्रवेश करती हैं तो दो मुख हो गए, कोई में तीन आत्माएं प्रवेश करती हैं तो तीन मुख हो गए, कोई में अनेक आत्माओं ने प्रवेश किया तो अनेक मुख वाले हैं, यादगार बनी हुई है। ये यादगार कहां से निकलती है, कौन से देश से? नेपाल। क्या नाम दिया? नई दुनिया की पालना करने वाले। नेपाल में वो रुद्राक्ष तैयार होते हैं। ये बेहद में नेपाल कहाँ है? है? यही ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की नई दुनिया है, जहां नई दुनिया की पालना होती है। यहां ये मन के तैयार होते हैं। ये नेपाल देश ऊंची स्टेज में है, पहाड़ों पर है या नीचे है? पहाड़ों पर भी है और मैदान में भी है। आधा नेपाल मैदान में है और आधा नेपाल पहाड़ों पर है। हाँ, पृथ्वी, आकाश और वायु, जल और अग्नि, ये पांच तत्वों का शरीर ये अपना बना हुआ है। तो इसको ये कभी नहीं हुआ है तो ये चलेगा क्या? ये पांच तत्व नहीं हो गए तो चलेगा क्या? नहीं हो गए तो चलेगा क्या? पांच तत्व नहीं होंगे ऐसा कभी हो? ये तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि एलिमेंट हमेशा रहता है, एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता। तो शरीर बना हुआ है, हाँ हाँ, जिनसे भी ये शरीर बना हुआ है पांच तत्वों से, वो पांच तत्व सदैव है ही हैं, रहते ही रहते हैं। ये कभी दुनिया का जब विनाश होता है तो भी इनका विनाश नहीं होता। यदि एक उसमें का नहीं है तो ये शरीर बनेगा क्या? नहीं नहीं, एक न हो ये हो ही नहीं सकता, पांचों ही चाहिए। आप ऐसा सुना मैंने कि जैसा कि मुसलधार पानी गिरेंगे, कुछ दिन से पानी भोपले में रहेगा। है? भोपले में रहेगा, लौकी में, लौकी में। क्या कह रहे हैं? कद्दू। हाँ, कद्दू क्या? कमंडल हो ना कद्दू का। हाँ, उसमें रहेगा। कद्दू कमंडल, ये कमंडल है ये कद्दू।
इसी में ज्ञान जल भरा रहता है, वो कमंडल की बात नहीं है। मालूम हम ज्ञानियों को नहीं मालूम होगा कि ज्ञान का कमंडल होता है या स्थूल कमंडल होता है, किसको पता होगा? और जब प्रजापिता को बकरे का मुख दिखाते हैं तो स्पिरिट कब से पकड़ा जाएंगे? जब तमो प्रधान बनता है तब। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है या नहीं? तो प्रजापिता भी तमो प्रधान बनेगा या नहीं? तो फिर वो समय ऐसा ही कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बढ़कर भगवान दुनिया में कोई नहीं। तो बकरे का मुख दिखाया गया है प्रजापिता को। मैं करके विनाश करता है दुनिया का। तू ही है तो नई दुनिया बनती है, और मैं हूं तो दुनिया खलास होती है। शिवो हम चलो मुसाफिर अपने घर, छुट्टी कर दे, देर हो रही। अच्छा तो आप तो यहाँ कैसे अपना घर तो परम धाम है, शांति धाम है और वाया सुख धाम है। ये तो आप मुसाफिर है ना, यहाँ आप मुसाफिरी काट के तो अपने घर जाना है ना। क्या समझा? मुसाफिर अपने घर जाना है। हाँ, मुसाफिर को अपने घर जाना है। ये आत्मा मुसाफिर है, उसे अपने घर जाना है शांति धाम। हाँ जी, तो आगे देखा, ये यहाँ से जाने के बाद में और आगे क्या सुख धाम में जाएंगे क्या? हाँ, सुख धाम में जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। वाया शांति धाम सुखधाम सब नहीं जावेंगे, लेकिन आप जावेंगे। और हम डीके से आए हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि एडवांस में मत जाओ, वो लोग जादू कर देती है। तो माताओं को ज्ञान दिया ना, तो वो माताओं को भी कहते हैं कि वो लोग जादू करते हैं, उसमें मत जाओ। तो उनसे कहो जब सतो प्रधानता होती है तो ऐसे ही दुनिया में आवाज फैलती है। जब ब्रह्मा कुमारियां सतो प्रधान स्टेज में थी, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान दुनिया में फैल रहा था, तब भी लोग सिंध हैदराबाद में कहते थे जादूगर आया हुआ है, ये जादू करती हैं। तो ऐसे ही अब तुम तमो प्रधान हो गए, तुम्हारा जादू खलास और हमारा जादू शुरू। और बाबा, ये लक्ष्मी नारायण का टीका, ये लक्ष्मी का गोल टीका दिखाया और नारायण का लंबा क्यों दिखाया है? लक्ष्मी को थोड़ा समय आत्म की स्थिति में स्थित होना होता है और नारायण को लंबे टाइम तक स्थित होना पड़ता है, इसलिए उनका लंबा टीका है। उनको ज्यादा समय टिकना पड़ता है और लक्ष्मी को थोड़ा समय टिकना पड़ता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर पवित्र रही है। जो ज्यादा जन्म जन्मांतर अपवित्र रहे हैं, उनको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़े टिकने की। और बाबा, 5000 साल के बाद हम बाप के साथ थे, तब हम पावन थे। 5000 साल के बाद बाप के साथ थे, तो मध्य में हम पर उम्र 5000 साल के बाद कि 5000 साल पहले? तो मध्य में हम पतित क्यों बने? पतित क्यों बने? क्योंकि अभी जो आपको पढ़ाई जा रही है, वो पढ़ाई आप पूरी पढ़ते ही नहीं है, आधी पढ़ते हैं
और आधी छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा आपको अच्छे अच्छे का फल पहले दे देते हैं और जो खराब खराब रह जाता है वो आपको बाद में मिल जाता है। हाँ ज्ञान सूर्य, रुको रुको रुको, ज्ञान सूर्य साकार में शिव बाबा का पार्ट है, तो बृहस्पति किसका पार्ट है? पति ये साकार में होता है या निराकार में होता है? पति तो साकार में होता है, लेकिन एक संबंध ऐसा है जिसे साकार की जरूरत नहीं, वो साकार में भी हो सकता है और निराकार में भी हो सकता है। आत्माओं का बाप, आत्मा है बिंदु तो आत्मा का बाप भी बिंदु, तो वो है ज्ञान सूर्य ज्योत बिंदु। और बृहस्पति कौन है? जिससे बड़ा पति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कृष्ण का नाम ले दिया है, कृष्ण भगवान था, कृष्ण भगवान नहीं था 16108 का पति। मुरली बोला है 16108 को भगाया, ये कृष्ण की कथा नहीं है, ये कृष्ण की बात नहीं है। किसकी बात है? ये शिव बाबा की बात है। कृष्ण वाली आत्मा में कहां से इतनी ताकत आएगी जो भगाया? राम बाप की आत्मा कृष्ण की आत्मा पर 2018 में पूरा कंट्रोल पाती है, पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? जबकि राम की आत्मा बिंदु रूप में सबसे जास्ती स्थिर होती है। बताओ है, राम की आत्मा बिंदु रूप स्टेज, वो तो है ही बिंदु, वो है ही सारी सृष्टि का बीज और वो है पत्ता कृष्ण वाली आत्मा। ज्यादा ताकत किस में होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। और पत्ते में ज्यादा ताकत होती है या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या टहनी में ज्यादा ताकत होती है या तने में ज्यादा ताकत होती है, फूल में होती है, फल में होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। जितने भी वृक्ष के अंग हैं उनमें सबसे कम ताकत किस में होती है? पत्ते में सबसे कम ताकत होती है। पत्ता पेड़ से गिरेगा झट से नीचे जाएगा, सड़ जाएगा। बीज अगर कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो इंतजार करेगा मौसम का, इंतजार करेगा धरणी का, उसको अनुकूल धरणी और मौसम मिलेगा, वृक्ष बन के उग जाएगा। तो प्रश्न ये है कि कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? यही प्रश्न है ना। अच्छा, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है क्यों? क्योंकि क्राइस्ट वाली आत्मा और क्रिश्चियंस न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं, और राम बाप बीज वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल भी है। कब? जब बाप मिल जाता है, वो भी प्रैक्टिस के आधार पर है। जमदे जामदे नहीं हो जाता,
हथेली पे आम नहीं उगाया जाता, तो वो आत्मा 5000 वर्ष के बाद सबसे जास्ती पतित भी बनती है। क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बनते हैं या भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं? भारत ज्यादा पतित बनता है। क्यों? कि ज्यादा पुराना कौन है? भारत ज्यादा पुराना है। कृष्ण की दुनिया तो साकार में तब शुरू होगी जब सतयुग का पहला चरण शुरू होगा, तब तक उनका अपना साकार शरीर है ही नहीं, तो वो तो बाद में आती है। बाद में आने के कारण पतित भी कम बनती है और राम वाली आत्मा पतित ज्यादा बनती है। तो ज्यादा पतित बनी हुई आत्मा है इसलिए उसको प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़े। और कृष्ण वाली आत्मा को थोड़ों के संपर्क में संसर्ग में आना पड़ता है। कृष्ण वाली आत्मा माता का पार्ट बजाती है या बाप का? माता घर संभालती है, घर में ज्यादा भांति होते हैं या दुनिया में ज्यादा भांति होते हैं? तो ज्यादा संग का रंग किसको लगता है? बाप को ज्यादा लगता है। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कृष्ण की आत्मा का संग का रंग 400 के 300 400 के साथ, और राम वाली आत्मा का साकार में संग 16108 के साथ। तो माया भी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा माया आएगी तो ज्यादा पतित बनेगी या ज्यादा पावन बनेगी? और बाबा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा कहने के लिए हाँ आगे बोलो बाबा। सेवा तीन प्रकार की होती है। अरे उसे पूरी बात तो कह लें, तो आगे कुछ बात कह रहा था। हाँ है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा का मतलब है ये तन, ये मन, ये धन, ये समय, ये संपर्क, ये संबंधी सब तेरे। मैंने तो दे दिया है बाबा सब। ये मोहबक्का अलग बात होती है, आप स्टाम्प पेपर पे पहले लिख के दे दो फिर उसके बाद हम आपसे बात करें। मैं कहीं जाता नहीं, शादी ब्याह में किधर जाता नहीं बाबा। 100 बार बक्का और 1 बार लिखा। ये तो भरी सभा में बोलने वाले हैं। और द्वात्मा भी शरीर छोड़ेंगे वसुदेव में आ पाएंगे या नहीं है? द्वात्मा एडवांस में भी शरीर छोड़ेंगे? द्वापर में एडवांस में जो शरीर छोड़ रही है, जो आत्मा शरीर छोड़ रही है एडवांस में, हाँ हाँ सतयुग में आएंगी या नहीं? क्यों नहीं आएंगी? जब ज्ञान में आती है एडवांस में तो उनको लक्ष्य क्या दिया जाता है कि इसी जन्म में तुमको प्राप्ति करनी है या अगले जन्म में करनी है। तो वो भाव जब शरीर छोड़ती हैं तो उनके अंदर वो भाव जीवित रहता है या खत्म हो जाता है? तो अंत मते सो गते होगी, वो अगला जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करेंगी और पुरुषार्थ करके उसी जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगी। सतयुग में जरूर आएंगे। अरे सतयुग में तो बात छोड़ो, वो संगम युग से ही अपनी शुरुआत करती है। पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा जी? पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा? पुरुषार्थ यहाँ का ऐड नहीं हो जाता है वहाँ? परंतु बाबा 2-4 साल पहले अगर कोई कोई ने शरीर छोड़ दिया तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा फिर? कब? 2-4 साल पहले? ये तो तुम कह रहे हो, ये तो तुम्हारी कल्पना है।
ये तुम्हारी कल्पना है ना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ही नहीं। अरे यहाँ जब प्रत्यक्षता बाप की हो जाएगी तो एडवांस वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा है। और रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी दिखाते हैं। हाँ जी, तो अगर घर में तोड़ निभाए तो उसे मंदोदरी कहते हैं। है? घर में तोड़ निभाए और प्यार में भी तोड़ निभाए हाँ? उसे मंदोदरी बोला जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। घर में भी तोड़ निभाए और बाहर भी तोड़ निभाए, ज्ञान में भी तोड़ निभाए, तो उसको मंदोदरी कहा जाएगा। अरे ये तो बाबा का डायरेक्शन है। बाबा का डायरेक्शन क्या है? दोनों तरफ तोड़ निभाना। तो जो दोनों तरफ तोड़ निभाए, श्रीमत पर चले, वो मंदोदरी हो गया। मंदोदरी मानती थी ना बाबा है? मंदोदरी मानती थी ये राम है। हाँ मानती थी ये राम है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करती थी? मन बुद्धि से। अरे मन बुद्धि जब एक तरफ चली गई तो 11-10 इंद्रियां मन बुद्धि के पीछे जाएंगी या आगे आगे जाएंगी? मन बुद्धि ज्यादा पावरफुल है या 10 इंद्रियां ज्यादा पावरफुल है? तो फिर मन बुद्धि चली गई तो कुछ नहीं रह गया। ये झूठ बोलते हैं हम, मन बुद्धि क्षेत्र बाबा के बन गए सिवाय झूठ बोलने और कोई धंधा नहीं। अरे मन तो 11वीं इंद्रिय है। मन 11वीं इंद्रिय के बगैर 10 इंद्रियां कोई सुख नहीं भोग सकती। दस इंद्रियां सुख तब भोगती हैं, दुख तब भोगती हैं, जब मन साथ में साथ देता है। मन प्रधान है, मन मुखिया है। मन के होने से मनुष्य कहा जाता है, तन के होने से मनुष्य नहीं कहा जाता है। अभी तो वैसे ही है ना। क्या मन से? अब मन से कान पूरे नहीं हुए ना? हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कब बनेंगे? जब पुरुषार्थ करोगे तब बनोगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेंगे। बाबा भारत के तीन नाम पढ़ते है? भारत के तीन नाम पढ़ते है, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। किस आधार पर है? किस आधार पर तीन नाम पढ़ते? इंडिया नाम इसलिए पड़ता है कि जब भारत माता आती है रुद्रमाला के बीच में तो इंड हो जाता है, तो इंडा नाम पड़ता है। हिंदुस्तान नाम तब पड़ता है जब कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। जैसे बौद्ध आए, जैनी लोग आए, तो उन्होंने कहा हम हिंसा को समाप्त करने वाले हैं। आज दुनिया में ज्यादा बोलबाला, ज्यादा मान सम्मान लेने वाला धर्म कौन सा दिखाई पड़ता है? भारत के अंदर कोई धर्म ऐसे हैं जो बहुत मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? जैनी और बौद्धी। तो वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले नहीं है और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं। उनके नाम पर यह हिंदुस्तान नाम पड़ा है और असली नाम तो भारत है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगे रहने वाला, काय में लगे रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला।
और आदि में प्रजापिता की लाश गुम कर दी तो फिर प्रजापिता के संगी साथी कहाँ गए हैं? जो प्रजापिता के साथ में थे वो भी भाग गए। अरे जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है और सेनापति ही खलास हो जाए तो सेना का हौसला टूट जाता है या बचा रहता है? है? हाँ वही बात यहाँ भी है। जो अर्धांगिनी कही जाती है वो भी भाग गए। हाँ जी, जो कहा भाग गए? अर्धांगिनी कही जाती है जगदम्बा, वो भी भाग गए। जगदम्बा आखिरी मणका है, वो आखिर में ही जाएगा। और जगत पिता पहला मणका है, वो पहले जाएगा। और सभी मणकों के ढेर फॉलोअर्स हैं। पहला मणका जाएगा तो पहले उसके फॉलोअर्स जाएंगे, उनका सारा ग्रुप जाएगा सूर्यवंशी। दूसरा मणका होगा इस्लाम वंशी, तो उनका सारा ग्रुप जाएगा पहले। लास्ट में जाकर के वो नंबर आता है। इसलिए जगदम्बा भी लास्ट में जाती है 46-47 में। फिर ये जो बात हुई लाज गुम कर दी गई, ये जो लाज गुम कर दी गई तो ये बात अनचाही मौत या स्वाभाविक मौत है? अनचाही मौत भी ये स्वाभाविक मौत हुई या न चाहती हुई मौत? सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई की मौत कर दी जाए, खत्म कर दिया जाए, तो जिसका खात्मा हुआ है उसके बुद्धि में सच्चाई भरी हुई है या झूठापन भरा हुआ है, तो वो स्वर्ग में जाएगा या नीचे गिरेगा? ऊंचा ही उठेगा। अगला जन्म जब कभी भी लेगा ज्ञान में तो ऊंचा ही ऊंचा जाएगा। ज्ञान में तो ऊंचा जाएगा लेकिन स्थूल में तो उसको उसी वक्त जन्म जब शरीर छोड़ा था भी होना चाहिए ना। हाँ तो फिर आज स्वाभाविक मौत नहीं हुई तो फिर? अरे युद्ध में मरते हैं तो क्या भूत प्रेत बनते हैं? 1942 में शरीर छोड़ा। हाँ 42 में जन्म हुआ। हाँ फिर का देर हुई? हाँ टाइम कहा लगा? हाँ सूक्ष्म शरीर तो नहीं मिला? टाइम हुआ ही नहीं ना। हाँ जी, सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है जिनका बुद्धि में पाप भरा होता है। जो ज्यादा पाप करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ जी, उस समय ब्रह्म बाबा कहाँ थे फिर बाबा? है? उस समय ब्रह्म बाबा वो तो पहले ही जैसे झगड़े की शुरुआत हुई डर करके एकदम भाग गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, जैसे जगदम्बा चली जाती है। आदि में भी भाग गए तो अंत में भी भाग गए। हाँ जी, बाप ने और बच्चों बाबा। हाँ महाभारत युद्ध में दुर्योधन जब अकेला हाँ। रहता है वही बात है। कौरव मर जाते हैं, दुर्योधन अकेला होता है। हाँ तो गांधारी उसको विवश होके अपने सामने बुलाती है। हाँ और दृष्टि देके उसको वज्र समान बनाती है। हाँ लेकिन वो का लज्जावश नीचे का पत्ते लपेट के आता है। हाँ तो इसकी शूटिंग में कब? इसकी शूटिंग यही है कि जो द्वय अभिमानी सांडे होते हैं वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते नंगे। वो कुछ न कुछ देह अभिमान का वस्त्र जरूर ओढ़ लेंगे। कैसे पड़ेगी? ऊपर तो पड़ना अब पड़ी, लेकिन असली अंग तो रह गया ना, जिसके ऊपर विजय पानी होती है। ये कब की बात है? अभी की बात है। अभी तो गांधारी तो चली। क्या गांधारी है नहीं? क्यों? गांधारी आधार मूर्त में ही होती है, बीज रूप में गांधारी नहीं होती है। और बाबा ये बीके वालों को एडवांस का सब कुछ पता है तो फिर ये मानते क्यों नहीं? इन सन्यासियों को सब कुछ पता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पता है या नहीं है? पता है। अब तो पता हो गया जब से ज्ञान निकला ईश्वरीय।
फिर भी ये मानते क्यों नहीं? देह अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं मानते। रावण को सब कुछ पता था कि ये भगवान है, फिर भी वो मानता क्यों नहीं था? देह अहंकार था कि हमसे लड़ाई लड़ करके जीत ले तब मानेंगे। आत्मिक सुख भोगने के लिए देह है। देह की जरूरत क्या है? देह छोड़ दो है? अरे देह की जरूरत नहीं तो देह छोड़ दो ना। छोड़ते भी नहीं, पूछते भी हो। और नहीं की, लेकिन 5-6 साल ज्ञान सुना अपना और उसने शरीर छोड़ दिया। भट्टी नहीं की, बाप का बच्चा बना ही नहीं। तो उसके जन्म की बात ही, जब बाप का बच्चा ही नहीं बना तो जन्म मरण की बात ही नहीं। हाँ बोलते हैं ब्रह्मा बाबा ने कैसे मुरलिया निकाले वैसे तुम्हारे बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने मुरलिया निकालते वैसा आते भैया हमारी मुरली तुम्हारी मुरली। अरे मुरली भगवान की होती है कि हमारी तुम्हारी होती है? तुम सुन कैसे लेती उनकी बातें? अरे बेसिक का स्टूडेंट, उसे ऊंची पढ़ाई के बारे में क्या पता? अरे ऊंची पढ़ाई जब PhD की पढ़ी जाती है तो जो टीचर होता है वो रोज पढ़ाई पढ़ाता है क्या? पढ़ाता है? उनसे कहना तुम कभी पढ़े ही नहीं है तो तुम क्या जानो है? भगवान के बारे में है वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा तुम जवाब क्यों नहीं दे पाते है? आदि में जो मुरलियां चल चुकी है तो रिपीटेशन होती है, रिवाइज। आज की तारीख और डाल देते हो, आज की तारीख महीना और साल, वो तो रिपीटेशन। तारीख भी गलत डालते हैं, महीना भी गलत डाल देते हैं, और वर्ष भी गलत डाल देते हैं। वो तो सारा ही गड़बड़ सड़बड़ किए बैठे है। हाँ जी कल पर चलने वाली मुरली का 8 तारीख डाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई पूछा है? पेड़ का कलम लगाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? पेड़ का कलम लगाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये भी षष्ठ रूपी वृक्ष है, इस षष्ठ रूपी वृक्ष में कलम लगाई जाती है। जो पुराना परिवार बेसिक का चला आ रहा है उसे कट किया जाता है और उसमें से डंगियां काट ली जाती हैं, ढेर के ढेर पत्ते भी काट लिए जाते हैं, डंडी के साथ पत्ते भी आएंगे। और जो पुराने से पुराना वृक्ष है सूर्यवंशियों का, उसमें ऐड कर दिया जाता है ये कलम लग गई। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले कच्ची छत डालते हैं, कच्ची छत डालने के बाद फिर लेंटर डालते हैं, सीमेंट का पक्का। वो पक्का सीमेंट का छत जब मजबूत हो जाता है, जैसे एडवांस पार्टी अभी मजबूत होती जा रही है, फिर नीचे वाली छत निकाल देते हैं।